दोस्तों आज का दौर वेब सीरीज का दौर है। अभी इंडिया में लॉकडाउन में हमने देखा कि सारे सिनेमा हॉल बंद थे, लोग घर में बैठे हुए थे, सबके पास मोबाइल में डाटा पैक था। चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, वो पूरा डाटा पैक देता था और लोगों ने घर में बैठ के वेब सीरीज़ देखी, खूब देखी। इससे क्या हुआ, इंडिया में एकदम से वेब सीरीज़ का बूम आ गया। OTT प्लेटफॉर्म एकदम से इंडिया में ट्रेंड पे आ गया, क्योंकि सिनेमा हॉल बंद थे, लोग घर पे बैठ के मूवी को एंजॉय कर रहे थे, एंटरटेन हो रहे थे। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, जब वेब सीरीज़ का एकदम से दौर चला, तो जब जो चीज़ फेमस होती है ना, उसके साथ विवाद अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। हमने देखा कि कई वेब सीरीज़ विवादों में आई, और अभी रिसेंटली एक नई वेब सीरीज़ आई तांडव, जो काफ़ी विवादों में घिरी हुई है। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि ये वेब सीरीज़ क्यों विवादों में है। दोस्तों मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ इजी चैनल पे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो आजकल ये वेब सीरीज़ बन रही हैं ये विवादों में क्यों होती हैं, और पहले भी जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती थी वो विवादों में क्यों आती थी, और इनको विवाद में लाया जाता है या ये अपने आप विवाद में आ जाती हैं, और विवाद में लाने के लिए इनके पीछे कोई इंटेंशन होती है या प्लानिंग होती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, एक वेब सीरीज़ आई तांडव नाम की, उस पर विवाद चला। अब ये कोई नई वेब सीरीज़, मतलब ये कोई पहली वेब सीरीज़ नहीं है जिस पर विवाद हुआ, या कोई पहली मूवी नहीं है जिस पर विवाद हुआ। अब दोस्तों अभी क्या समझ आ रहा है, जो कई लोग कह भी रहे हैं और जो मेरे को समझ आ रहा है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये विवाद होता नहीं है, ये विवाद कराया जाता है। जानबूझ के इन वेब सीरीज़ में कुछ ऐसा डाला जाता है या इन फिल्मों में ऐसा डाला जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय का या सेगमेंट का सेंटीमेंट हर्ट हो। भाई सेंटीमेंट हर्ट होगा तो लोग कहेंगे कि इसमें ऐसा क्या विवादित है कि इससे सेंटीमेंट हर्ट हुआ लोगों का, फिर लोग उसको देखेंगे, चीज़ें अपने आप वायरल हो जाती हैं। वायरल करने के दो तरीके होते हैं, एक या तो आप अच्छा काम करो और दूसरा बुरा काम करो। दोस्तों अच्छा काम जल्दी वायरल नहीं होता है, लेकिन बुरा काम बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी PK। PK मूवी विवादित हुई और बहुत पैसा कमाया। आपको ही पता है कितना पैसा कमाया PK मूवी ने, और उससे एक समुदाय का सेंटिमेंट हर्ट हुआ। दूसरा दोस्तों, बीच में एक वेब सीरीज़ आई थी जिसका नाम था पाताल लोक, उस पर भी बड़ा विवाद हुआ और वो वेब सीरीज़ भी काफ़ी फेमस हुई। हालांकि काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के बीच में आप कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हो जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, पूरे देश में उससे चर्चा होती है, फिर लोग दोबारा टूट के आते हैं आपकी फिल्म को देखने के लिए या वेब सीरीज़ को देखने के लिए। अब दोस्तों जैसे तांडव का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक क्लिप है, वो क्लिप तो मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, लेकिन उस क्लिप में प्रेजेंट किया गया है, नाटक किया गया है, भाई एक बंदा शिव भगवान बना हुआ है, एक बंदा राम भगवान के बारे में कुछ बोल रहा है। तो वो चीज़ें जब आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी समुदाय हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे पारसी हो, सबकी अपनी एक थिंकिंग होती है, एक बिलीव होता है सबका, सब अपने धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में या समुदाय के बारे में आप उसकी बुराई करोगे तो सबके सेंटिमेंट हर्ट होंगे। उससे क्या होता है, विवाद क्रिएट होगा, समाज में चीज़ें खराब होंगी। इससे एक मैसेज जाएगा कि भाई इंडिया में लोगों में आपस में सहमति नहीं है, एक दूसरे से लोग चिढ़ते हैं और एक दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये कुछ लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो मीडिया को चला रहे हैं या एंटरटेनमेंट सेगमेंट को चला रहे हैं, जो फिल्में बनाते हैं और जो बॉलीवुड अब OTT प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र हो गया है वेब सीरीज़ के नाम पर, जो फिल्में पहले थिएटर में रिलीज़ होती थी, OTT कुछ नहीं है, OTT जैसे एक सिनेमा हॉल है, हम लोग वहाँ जाके फिल्में देखते थे, सेम वही चीज़ अब आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है OTT प्लेटफॉर्म के नाम से, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स या वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे वेब सीरीज़ आती है वो फिल्में होती हैं, जो फिल्में आप थिएटर में जाके देखते थे, तो वही उनका काम है, विवाद करके आप पहले जो फिल्में हिट होती थी, लोग वहाँ टिकट लेने जाते थे, उससे उनकी कमाई होती थी, जितना विवादित होगा उतना लोग जाके वहाँ टिकट लेंगे। और कई जगह तो ये देखा गया, जब फिल्म विवादित हो जाती थी तो उसके जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते थे टिकटों के प्राइस बढ़ा देते थे, क्यों भाई लोग ज़्यादा आ रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ेगा। दूसरा OTT प्लेटफॉर्म का क्या है, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, लोग जितना जा के उस वेब सीरीज़ को या क्लिप को देखेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतने ज़्यादा रेवेन्यू आएंगे। दोस्तों अगर पर्टिकुलर इस वेब सीरीज़ तांडव वेब सीरीज़ की बात करें तो इसमें इन्होंने दिखाया कि जातियों का भेदभाव दिखाया, धर्म का, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए इन्होंने जो देवी देवता है उनका मजाक बनाया,
तीसरा, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काफ़ी आइडियल पोजीशन होती है, उस पोजीशन का भी इन्होंने इसमें मजाक बनाया, उनको गाली देते हुए दिखाया है, मतलब अभद्र भाषा यूज़ करते हुए दिखाया। अब इस पर क्या हुआ, पूरे देश में अभी बवाल मचा हुआ है, कई जगह कंप्लेंट फाइल हुई है, चाहे महाराष्ट्र ले लो आप, चाहे यूपी ले लो। और इस पर तो यूपी पुलिस ने एक्शन भी ले लिया, यहाँ पर एक टीम बनी है जो निकली है अरेस्ट करने के लिए भी, शायद अभी ऐसा खबर आई है। दूसरा दोस्तों, जैसे ही एक्शन लिया गया, पहली बार इन लोगों ने ओपनली आके माफ़ी भी मांगी है, जो इस वेब सीरीज़ के निर्माता हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, सिवाय एक जो लीड एक्टर हैं उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी है इस चीज़ पे। इस चीज़ से दोस्तों ये भी समझ आता है कि अगर कोई वेब सीरीज़ या कोई मूवी आती है तो उसके थ्रू लोग अपना प्रोपोगंडा, जो उनका एजेंडा होता है, उसको भी प्रमोट करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों को समझना चाहिए, और ये नहीं कि हम इनको पैसा दे रहे हैं, हम इनको फंडिंग कर रहे हैं, और ये हमारे देश का, हमारे समाज का ही माहौल हमारे पैसों से ही ख़राब कर रहे हैं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उन पैसों से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ये धर्म और जाति से खुद को तो ऊपर उठा चुके हैं, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं देश के, उनको भड़का के समाज का माहौल ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। आपको अगर कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू।